मूली एक प्रमुख जड़दार सब्जी फसल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मूली में अनेकों किस्मों का विकास किया गया है। पूसा चेतकी और पूसा मृदुला, ये दो ऐसी किस्में हैं जो बहुत व्यापक रूप से अपनाई जा सकती हैं। पूसा चेतकी एक कम समय में तैयार होने वाली किस्म है और इसके पत्ते एक समान रूप से हरे और बिना कटे हुए होते हैं और इसके पत्तों का इस्तेमाल भाजी के रूप में किया जा सकता है। यह किस्म 35 से 40 दिन में बिजाई के बाद तैयार हो जाती है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी स्टम्पी होती हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। दूसरी जो किस्म है हमारी वो है पूसा मृदुला। आप देखते हैं कि मूली हमेशा लंबे आकार की होती हैं लेकिन मूली की यह किस्म गोल आकार की लाल रंग लिए होती हैं और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। इसके तैयार होने का जो समय है वो 28 से 32 दिन में बिजाई के बाद जड़ों की खुदाई प्रारंभ की जा सकती है। जो शहरी क्षेत्रों में किचन गार्डनिंग में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। पूसा चेतकी की बिजाई किसान भाई 15 जुलाई से आरंभ करके 15 सितंबर तक इसकी बिजाई अपने खेतों में कर सकते हैं। मृदुला को किसान भाई 20 अगस्त से शुरू करके उसको जो है नवंबर के मध्य तक लगाया जा सकता है। मूली जैसा कि आप जानते हैं ये जड़दार फसल है और इसके बढ़वार के लिए ब्लुई दोमट या दोमट किस्म की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो मेड़ों के ऊपर इनकी रुपाई कर बिजाई करनी है और बुआई करने से पहले बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है क्योंकि अगेती बुआई की मूली में या सरसों में अक्सर बरगड़ा एक कीड़ा होता है जिसका प्रकोप होता है जो पत्तियों के ऊपर रस चूसकर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बना देता है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि बीज को बुआई के साथ से पहले गाउचो या कॉन्फिडोर से उपचारित किया जा सकता है और उसके लिए बीज की दवा की जो मात्रा है वो 4 से 5 मिलीलीटर दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से इसमें मिलाई जा सकती है। और ऐसे खेतों में बुआई करनी है जिसमें जल भराव की स्थिति ना आती हो, जल निकास की व्यवस्था हो, तो इसमें मेड़ों के ऊपर बिजाई करनी, मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वो 50 से 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। अगर आप ट्रैक्टर के माध्यम से मेड़ बनाते हैं तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे या 75 सेंटीमीटर की दूरी पे यांत्रिक तरीके से मेड़ों का निर्माण किया जा सकता है और उस पर बिजाई हाथ से एक एक बीज को हम मेड़ की चोटी के ऊपर बुआने की सिफारिश करते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। बुआई करने के बाद किसान भाई अपने तुरंत बाद उसमें पेंडा मैथिलीन नामक हमारा एक खरपतवार नाशी है जिसकी संस्तुति हम करते हैं, उसमें 3 से 4 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय या मिट्टी चमनाने के समय इन फसलों में दिया जा सकता है। अगर निकालने में देरी आप करते हैं तो उससे जड़ों में स्पंजी टिश्यू के निर्माण होने की संभावना रहती है, इसलिए ये जरूरी होता है कि आप 35 दिन से 40 दिन के बीच में आपको जड़ों को निकालना है। पूसा चेतकी के केस में और पूसा मृदुला के केस में 32 से या 34 दिन के अंदर आपको निकालना है। इसलिए आप अगर एक एकड़ में बुआई करते हैं तो एक साथ सारी जड़ों की बुआई ना करें ताकि आपको एक महीने का समय आपको जड़ों के निकालने में और विक्रय में मिल जाए। पूसा चेतकी का बीज आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीज उत्पादन इकाई या शाकीय विज्ञान संभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृदुला का भी बीज आप शाकीय संभाग या बीज उत्पादन इकाई से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 4 बजे के बीच में हमारे किसान भाई आ सकते हैं। यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि अनेक किसान खेती किसानी की नई सोच एवं नई तकनीकें अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। जी, और ये किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं और इनका अनुभव अन्य किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान की भिंडी उत्पादन की सफलता की कहानी। भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। उत्तर भारत के मैदानों में किसान भाई भिंडी की खेती गर्मी एवं वर्षा के मौसम में करते हैं। इस फसल के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विज्ञान संभाग द्वारा पूसा भिंडी 5 किस्म का विकास किया गया है
जो एक अत्यधिक उपज देने वाली विषाणु रोग के प्रतिरोधी किस्म है, और इसको किसान भाई अगर अपनाते हैं तो इसके अपनाने से किसान की जो खेती में लगने वाली लागत है उसमें कमी आती है, और अधिक उपज देने की क्षमता रखने के कारण इससे किसान को भरपूर उपज भी मिलती है, जिससे उसको आर्थिक लाभ अधिक मिलता है। इस दिशा में काम करते हुए हमारे संभाग के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम के सहयोग से किसान को बीज उपलब्ध कराया गया, जिन्होंने इसको गर्मी के मौसम में उगाया है, और उगा करके फसल से किस प्रकार की उपज, तुड़ाई और फलियों की गुणवत्ता किसान को मिली है वो हम किसान के मुंह से ही सुनना चाहेंगे। सर, मेरा नाम अशहर है, अशहर उर्फ कल्लू, कल्लू के नाम से मुझे जानते हैं। ये पूसा 5 भिंडी है। इस भिंडी का जो हमने उत्पादन है, वो इस भिंडी का सबसे पहले हमने जो बुआई है वो 18 मार्च को की, और 18 मार्च से और इसकी जो तुड़ाई शुरू हुई हमारी, वो तकरीबन 50 दिन बाद इसकी तुड़ाई जो है हमारी शुरू हुई। तो हमने भिंडी जो लगाई थी ये हमने 18 मार्च को लगाई थी, और इसको जो है फिर हमारी जो तुड़ाई है 50 दिन के बाद इसकी जो तुड़ाई शुरू हुई, ये तकरीबन 9 मई के आसपास जो है हमारी तुड़ाई शुरू हो गई, और इसको जो है हमने इसमें 45-46 तोड़ अब तक कर ली है 3 महीने में जो है, क्योंकि एक दिन हम छोड़ के इसको जो है वो करते हैं, यानी कि अगर हमने 90 दिन हमारे खेत को चलते हुए हो गए तो हमारा 45 तोड़ इसके अंदर हमारी जो है वो हो चुकी है, और इसका हमने जो उत्पादन है वो इस 3 महीने में तकरीबन 40 क्विंटल के आसपास इसका हमने उत्पादन ले लिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दवा का जो इसमें इस्तेमाल है वो बहुत ही हमारे हिसाब से बहुत कम मात्रा में हुआ है, और इसमें हमारा जो खर्च है वो तकरीबन 8,300 रुपये के करीब इसका हमारा जो है खर्च आया है, और आमदनी हमारी जो है इसकी तकरीबन इसमें 61,000 रुपये की इसमें हमें आमदनी हुई है जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि खेत हमारा तकरीबन 1 या 1.5 महीना और हमारा ऐसे ही चलना है, इसमें जो है मतलब अच्छी तरह से खेत खड़ा हुआ है और 1-1.5 महीना और हमारा खेत चल जाएगा। तो अभी तक हमने 40 क्विंटल का उत्पादन किया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें तकरीबन 50 क्विंटल से हम जो है ऊपर चले जाएंगे। इसकी जो शुरुआत है हमारी वो 12 रुपये किलो से शुरू हुआ ये, और तकरीबन अभी 20-22 रुपये किलो जो है इसका जो है हमें रेट मिल रहा है, और इसका अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमारा 16-17 रुपये तक, या आप ये मान लीजिए 15-17 रुपये किलो का हमारा जो है बीज का एवरेज आएगा जो है, तो उसी हिसाब से हमारा इसमें अभी तकरीबन 61,000 रुपये जो है हमें इसमें 61,000 रुपये करीब हमें इसमें जो है मंडी से मिल चुके हैं, और इसमें 8,300 रुपया जो है वो हमको जो है इसमें खर्च आया है, दवाई वगैरह जो इसमें हमने कराई है तो उसका हमारे पास खर्च आया है तकरीबन ये निकाल करके 52,700 रुपये जो है हमें जो है खर्चा काट कर रुपये इसमें मिल चुके हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये जो बीज है हमें बहुत ही सस्ता उपलब्ध हुआ है, ये जो है पूसा 5 का देसी बीज कहलाता है, और ये जो है तकरीबन हमें 700 रुपये किलो जो है अवेलेबल हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई सोचते हैं कि जो महंगा बीज है हम वो महंगा बीज लेकर के आएँ और उससे हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि जब हम महंगा बीज लेकर आते हैं और कभी कभी भाव हमारा जो है बाजार का जो है वो हमें जो है कम मिलता है, तो उस कंडीशन में हमारे साथ ये सिचुएशन आती है कि जब अच्छा रेट हमें नहीं मिल पाता है तो हम जो महंगा बीज लेकर के आते हैं उसका पैसा भी हम जो है किसान भाइयों से नहीं उतर पाता है। तो मेरा मानना तो यह है कि कम से अगर हमें सस्ता बीज उपलब्ध हो रहा है तो और अच्छा बीज उपलब्ध हो रहा है सस्ता और अच्छा, तो हम उसको लगाएं। मेरा तो सभी किसान भाइयों से ये कहना है कि ये जो पूसा 5 का बीज है सभी किसान भाई अच्छी पैदावार के लिए और अच्छे जो है रुपया मिलने के लिए जो है इसको लगाएं।